गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम लेके आए और तीन या दो न्यूमेरिकल जिसके अंदर एलसी सर्किट है, क्यू फैक्टर है, सीरीज रेजोनेंस है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज है। तो देखते हैं दोस्तों पहले क्या बोला है। वीआरएमएस दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज मिले, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, 2 पाई की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू 30 यानी 1.4 रेडियन पर सेकेंड। दोस्तों जैसे ही आपको ओमेगा मिल गया, इसका मतलब आप इंडक्टर के लिए सोचो एक्सएल मिल जाएगा, कैपेसिटर के लिए सोचो 1/ωc। याद करो इंडक्टर्स, इंडक्टिव, रिएक्टेंस। ओमेगा एल यानी 3.14, इंडक्टर कितना है 80 मिली यानी 1, 2, 3। बिल्कुल वैसे 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू आप लेके आए 3.14, सी की वैल्यू है 60 माइक्रो यानी ऊपर जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पहली बार मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मेरे को दोनों रेजिस्टेंस फाइंड करके दे दो। दे दिया। जैसे ही दोनों रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, फिर हमें चाहिए इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, यानी एक्सी माइनस एक्सएल। ये भी रेजिस्टेंस आप मेरे को कैलकुलेट करके दे सकते हो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जैसे ही दोस्तों मोड जेड मिल जाएगा, इसका मतलब आईआरएमएस बाय मोड जेड। वीआरएमएस दोस्तों अवेलेबल है 230 और मोड जेड आपने अभी कैलकुलेट, 1, 2, 3 फास्ट दोस्तों कैलकुलेट करके ला दिया है, आपको आईआरएमएस मिल जाएगा 8.23। ये रेंडम वैल्यू उसके आगे पीछे हो सकता है। जैसे ही आईआरएमएस मिल जाए, देन आईमैक्स क्या था, आईमैक्स मतलब √2 × IRMS यानी 1.41823। रफली मल्टीप्लाई करो तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.63 एम्पियर। बोलो करंट भी रेडी? यस सर। अब वीएल क्या होगा दोस्तों? वीएल का मतलब IRMS इंटू एक्सएल, एज वेल एज बीसी का मतलब IRMS इंटू एक्सी। बोलो वीआरएमएस के लिए IRMS पता चल गया? यस सर, ये रहा आपका IRMS। ये वैल्यू मुक दो, यहां से एक्सएल पुट कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 207 वोल्ट। बिल्कुल वैसे यहां से आप ले लो, यहां से वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 437 वोल्ट। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि कैपेसिटर का वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज से ज्यादा है, इसका मतलब φ = π/2। यानी दोस्तों वो आगे जाएगा। तो सर इससे क्या होगा? तो दोस्तों इंडक्टर का भी पावर, कैपेसिटर की पावर और एवरेज पावर सबकी वैल्यू फाइंड करनी। अच्छी बात बोलू? याद करो दोस्तों ओनली इंडक्टर के लिए 0 था पावर, क्यों π/2 0, कैपेसिटर के लिए भी 0, और सर अभी जो कैलकुलेट करके आया उसमें भी π/2 ही आया। तो ये तीनों केस में वॉट लेस करंट का न्यूमेरिकल हुआ। तो न्यूमेरिकल तो बढ़िया है दोस्तों, उसके साथ साथ MCQs भी ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। ऐसा बोल दिया ओमेगा 0 फाइंड करना है, इसका मतलब सीरीज रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है 1/√LC। हो जाओ रेडी। 1/√L, L का मतलब 0.12, इसका मतलब 480 नैनो यानी 10⁻¹। फटाफट कैलकुलेट कर दोस्तों, ओमेगा 0 4166.7 रेडियन पर सेकेंड। जब भी सीरीज रेजोनेंस बोला जाए तो याद करो मोड जेड इज इक्वल टू आर यानी 23 ओम। जैसे मोड जेड मिल जाए वैसे आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस बाय मोड जेड यानी 230 / 23। दोस्तों आपको करंट भी मिल गया। कोई बोले
सर आई मैक्स फाइंड करना है. इट्स ओके माय डियर, आई मैक्स इज इक्वल टू रूट टू इंटू आई आर एम एस. अब भी सिखाया सर, 1.41 इंटू 10 सो 14.1 एम्पियर. आई आर एम एस मिल गया, आई मैक्स मिल गया. अब सर डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा मतलब ये तो क्यू फैक्टर वाली स्टोरी हुई, आर बाय टू एल. रेजिस्टेंस पता है? यस सर, टू. एल की वैल्यू 0.12, आप देख सकते हो 0.12 एल की वैल्यू है. फास्ट कैलकुलेशन कर दो, डेल्टा ओमेगा मिल जाएगा 95.83. अब आपको लगे सर आपने ये क्यों सिखाया, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि आपको ओमेगा की रेंज लिखनी है, तो ओमेगा की रेंज का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस और माइनस डेल्टा ओमेगा. प्लस और माइनस ओमेगा नॉट तो रेडी है 4166.7, ये रहा ओमेगा नॉट. प्लस और माइनस 95.83, इसका मतलब दोस्तों एक बार प्लस करके आंसर लाओ, एक बार माइनस करके आंसर लाओ, ये आपको रेंज मिल जाएगी. मजा आ गया सर, रेंज वाला कंफर्म. देन क्यू फैक्टर और पावर. दोस्तों क्यू फैक्टर की बात कर ले तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने क्यू फैक्टर का आपको तीन फॉर्मूला सिखाए थे. चलो हो जाए, तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट l बाय c ओमेगा 0lr, या फिर ओमेगा 0l अपॉन r, या फिर ओमेगा 0rc. ये तीनों में से जो भी वैल्यू पुट करने करो, आपके पास सारी चीज में लेके आए, सिर्फ आंसर लाना है. ला दोगे आंसर आ जाएगा 21.7 क्यू फैक्टर. याद करो दोस्तों क्यू फैक्टर यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, इसलिए उसका कुछ नहीं आता. लास्ट चीज पी एवरेज. तो सर पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. दोस्तों बी आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, वी आर एम एस मेरे पास है 230, आई आर एम एस में लेके आया 10, यानी 2300 वॉट. बोलो मेरे पास एवरेज पावर हो जाएगा, यस और नो? यस सर. देख लो दोस्तों दोनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल में लेके आए हूं, प्लीज इसको अच्छे से लिख देना, पक्का कर देना, जिससे एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो. दोस्तों फिर से बोलता हूं, ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर क्यू फैक्टर भी आता है और सारी छोटी छोटी बात भी आती है. ओके ध्यान से लिख दो.